हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर अगेन विद द सेम टॉपिक डिटरमिनेंट्स ऑफ प्लस टू क्लास एंड इन दिस वी विल कंटिन्यू दैट सॉल्विंग प्रॉब्लम वेरीफाइंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट. सो टुडे फर्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट इज प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट to that determinant is of 3 by 3 order 0 a minus b minus a 0 c and b minus c 0 it is equal to 0. ये prove करना है. Same way means we have to prove that this determinant vanishes. अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास डिटरमिनेंट है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 c b माइनस सी 0. तो लेट दिस बी द दिस वी कॉल डेल्टा. क्लियर? इस डिटरमिनेंट को हमने क्या नाम दे दिया? डेल्टा. अब अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ 3 बाय 3 ऑर्डर. स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है? इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अभी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है स्क्यू सिमेट्रिक, एक और कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे. दिस इज ए वन टू माइनस ए वन ए टू वन ए वन थ्री और ए थ्री वन माइनस का फर्क ए 2, 3 and A, 3, 2 and diagonal elements are 0. Clear? तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर skew symmetric matrix है odd order की तो उसका determinant it will be equal to 0. But it means 0 होगा सीधा नहीं, हमने इसको प्रूव करना है यहाँ because एक step में हम answer नहीं लिख सकते. Clear? एक हिसाब की इसके लिए अपने प्रॉपर्टी प्रूव करनी है. तो first of all क्या करो, तीनों रोज में से माइनस कॉमन निकालो. अब फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन आया तो ये क्या बन गई? जीरो माइनस ए बी. इसमें से माइनस कॉमन आएगा ए जीरो माइनस सी. इसमें आएगा माइनस बी सी जीरो. अब तीन बार माइनस कॉमन आया मींस माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन. सो हियर इट विल बी माइनस वन रेस्ट पर थ्री. क्लियर? Now next, this implies delta. It is equal to minus 1 raised to power 3. It is minus. अब इसका क्या करो, आप transpose कर दो. Interchanging rows with columns. Because you know that on interchanging rows with columns, the value of determinant does not change. Means अगर हम किसी matrix का transpose करते तो determinant same रहता है. अब इसकी transpose करेंगे, it means ये 0 minus a. B. This will become the first column. A 0 minus C. Then third. Minus B C 0. This will be the last column. Means third column. Clear? अब ये फिर से हमें वही मिल गया. Minus delta is equal to minus. अब ये same determinant हो गया. Means this is again what? Delta. Clear? डेल्टा हो गया. फिर तो ये इधर आगे प्लस हो जाएगा तो डेल्टा प्लस डेल्टा इट इज इक्वल टू जीरो. टू टाइम्स डेल्टा इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू जीरो. मींस ये जो डिटरमिनेंट जिसको हमने डेल्टा बोला है जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो सी एंड बी माइनस सी जीरो इट विल बी इक्वल टू जीरो. क्लियर? एक और एग्जाम्पल करते हैं हम. Let's do one more example. Now this is our next example. ये determinant given again 3 by 3 order. We have to find its value. कितनी value आएगी? अब यहाँ पे property लगानी है हमने. आपको पता है there is one property that we can split a determinant into sum of two determinants by splitting a row or a column. अब ये first row है. x plus y 5, x plus 4 y 10, x plus 8 y. इसको हम split करेंगे तो first x 5x
ये रो पहले डिटरमिनेंट में लिखिए, एक्स 4x, 8x, एक्स 2x एंड 3x, दिस इज अवर फर्स्ट डिटरमिनेंट, प्लस इसी का जो नेक्स्ट है वाई 4y और 8y, इससे हम दूसरा डिटरमिनेंट बनाएंगे वाई 4y 8y, सेकेंड इट विल बी एक्स 4x 8x, एक्स 2x एंड 3x, क्लियर। वी स्प्लिट दिस डिटरमिनेंट टू टू डिटरमिनेंट बाय स्प्लिटिंग द फर्स्ट रो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें से पहले डिटरमिनेंट फर्स्ट रो में से x कॉमन आ गया, सेकंड में भी x और थर्ड में भी x, तो तीन बार x कॉमन आया, इट विल बी x क्यूब आउटसाइड, तो फर्स्ट रो विल बी 1 1 1 5 4 2 10 8 3, क्लियर। अब सेकंड, फर्स्ट रो में से y को फर्स्ट कॉलम में से y बार आएगा, सेकंड में से x और थर्ड में से भी x, तो इट विल बी हियर x स्क्वायर y, क्लियर। सेकेंड कॉलम में भी से x कॉमन आया, थर्ड में भी x और फर्स्ट में से y, तो इन द फर्स्ट रो इट विल बी अगेन 1 1 1 4 4 2 8 8 3, क्लियर। अब ये यहां पे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, क्या करो इन दो एलिमेंट्स को जीरो करो, तो जीरो कैसे करेंगे, इट मीन C2 पे ऑपरेट करेंगे, दिस वन इसको जीरो करना है हमने, क्लियर। तो इट विल बी व्हाट, C2 माइनस C1, और सेम C3 माइनस C1, मतलब सेकेंड रो में से भी फर्स्ट माइनस कर दो, थर्ड में से भी फर्स्ट, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगी, उस पर हमने ऑपरेट नहीं किया, करो तो फर्स्ट रो 1 5 10, तो सेकंड कॉलम C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 इट विल बी 0, 4 माइनस 5 माइनस 1 8 माइनस 10 माइनस 2, अगेन हियर C3 माइनस C1, C3 में भी सी में भी इसमें से भी C1 माइनस करो, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 10 माइनस 7, क्लियर। तो ये जो है तो इसमें देखो ये टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, 1 4 8 1 4 8, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आर आइडेंटिकल, तो प्रॉपर्टी वाज दैट इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, तो ये सीधा है हमारे पास जीरो हो गया, रीजन लिखते नहीं बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल। तो अब यहां से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि अगर हम किसी भी रो से, वैसे पूरा एक्सपेंड नहीं करना, यहां से नहीं करना, ये दो एलिमेंट जीरो बना के वी कैन एक्सपेंड दैट डिटरमिनेंट, तो एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करना आपको आता है फर्स्ट कॉलम से, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, ये आपको पहले बताया फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दी, ये इसका डिटरमिनेंट -1 -3 -2 -7, क्लियर, -1 -3 -2 -7, तो ये सारा जीरो, एक्स के वाई इंटू जीरो इट विल बी जीरो, तो इसको अब देखो ये एक ही आएगा, वैसे ऐसे चलता है, दिस इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 5 10 -3 7 प्लस जीरो डिटरमिनेंट 5 -1 10 -2, बट ये जो करेंगे ये जीरो हो जाएगा सीधा, जीरो प्लस जीरो बिकॉज हेयर एलिमेंट्स आर जीरो, तो मीन्स जीरो इंटू ये डिटरमिनेंट विल बी जीरो एंड जीरो इंटू दिस डिटरमिनेंट विल बी जीरो, तो सीधा हम जीरो लिखेंगे, तो ये सेकेंड जो डिटरमिनेंट वो ऑलरेडी जीरो हो गया, तो एक्स क्यूब इसको सॉल्व करो, तो डिटरमिनेंट आपको पता है -1 -1 -7 -2 -3, तो ये सारा आगे जीरो हो गया, ये आएगा नहीं, एक्स क्यूब इट विल बी 7, देर आर 3 टाइम्स माइनस माइनस 2 3 दस 6, एक्स क्यूब इंटू 1 दैट इज एक्स क्यूब, ये
सेकेंड एग्जाम्पल मीन्स इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो दैट इज व्हाट एक्स क्यूब। क्लियर। एक और करते हैं, नाउ वी आर हैविंग दिस डिटरमिनेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल में, इसको भी प्रूव करो दैट द वैल्यू ऑफ दिस वैनिशेस। वैनिशेस मीन्स इसको भी जीरो के इक्वल प्रूव करना। ये मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है, जो पहले पेपर्स में मैक्सिमम टाइम्स आ चुके हैं। क्लियर। बाकी आप ट्राई करना, जो नहीं होगा वो मुझे कमेंट में बताइए। क्लियर। ना इसको भी हम क्या करेंगे, वी विल स्प्लिट दिस डिटर्मिनेंट इनटू टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स बाय स्प्लिटिंग द थर्ड कॉलम। क्लियर। तो ये करो स्प्लिट, क्या आएगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी, तो फर्स्ट रो सॉरी थर्ड कॉलम को, इधर थर्ड कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी, इसको स्प्लिट, तो दूसरा पार्ट इधर आ जाएगा इसका माइनस बी सी माइनस सी ए एंड माइनस ए बी। क्लियर। अब इसको ऐसे ही रहने दो, ए बी सी, ए स्केयर बी स्केयर एंड सी स्केयर। तो यहां पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद ए, सेकंड विद बी एंड थर्ड विद सी। तो मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को किसके साथ, ए के साथ। अगर ए के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो फर्स्ट रो बन जाएगी ए ए स्केयर माइनस ए बी सी, ए इंटू ए स्केयर, तो बी सी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया ए बी सी। सेकेंड रो को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर डिवाइड करेंगे, तो हेयर इट विल बी 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 स्केयर एंड माइनस ए बी सी। थर्ड को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, बाहर डिवाइड किया, तो सी सी स्केयर माइनस ए बी सी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस ए बी सी कॉमन, टेकिंग माइनस ए बी सी कॉमन फ्रॉम द थर्ड कॉलम। क्लियर। फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट उसे एज इट इज लिखो 1 1 1 ए बी सी, ए स्केयर बी स्केयर एंड सी स्केयर प्लस। अब 1 अपॉन ए बी सी हमारे पास पहले था, तो ए बी सी यहां से बाहर आएगा वो ऊपर आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर एंड थर्ड कॉलम विल बी 1 1 1 because we have taken minus abc common। clear। तो minus common का तो यहाँ plus का, ये भी minus होगा, it will be minus here। clear। first 1 1 1 a b c, a square b square c square minus, ये abc cancel तो 1 बच गया। अब इसमें क्या करना है, first कॉलम को थर्ड के साथ इंटरचेंज करो, पहले इंटरचेंजिंग फर्स्ट विद थर्ड, यहां पे मैं लिखने लगा इसके नीचे, फर्स्ट कॉलम को किसके साथ इंटरचेंज किया, थर्ड के साथ। आपको पता है इफ वी विल इंटरचेंज फर्स्ट एनी रो एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, मींस पहले इंटरचेंज करते हैं। अब फर्स्ट की जगह थर्ड कॉलम आएगा, तो थर्ड कॉलम 1 1 1, सेकेंड एज इट इज और थर्ड की जगह पे फर्स्ट ए बी सी, तो दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया, इट मींस इस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज या तो सीधा यहां पे प्लस कर दो या यहां पे माइनस वन। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहला डिटर्मिनेंट तो एज इट इज आएगा ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। अब क्या करो, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब सेकंड कॉलम को थर्ड के साथ इंटरचेंज करो। क्यों ये कर रहे हैं, बिकॉज ये भी डिटरमिनेंट हमने ऐसा ही बनाना है। क्लियर। तो सेकंड को थर्ड के साथ इंटरचेंज किया, तो फिर से दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, तो देयर विल बी माइनस, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा। यहां पे हम कर रहे हैं सेकंड कॉलम को थर्ड के साथ इंटरचेंज, तो ये थर्ड कॉलम विल बिकम द सेकंड ए बी सी, इधर से कर रहे हैं, तो सेकंड कॉलम विल बिकम थर्ड ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। नाउ
अब ये दोनों डिटरमिनेंट सेम हो गए तो बीच में प्लस माइनस माइनस मीन दिस डिटरमिनेंट माइनस दिस आइडेंटिकल डिटरमिनेंट तो इट विल बी जीरो. क्लियर. तो दिस इज एक पार्ट, कोशिश करेंगे और बनाने की, तो और भी ऐसे दो तीन एग्जांपल्स और सॉल्व करें सो दैट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी कवर्ड. क्लियर. थैंक यू सो मच.